हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के संबंध में आती एक खबर की, और हम यहां देख रहे हैं 24 सितंबर 2018 को यह बीएससी पर 226.25 रुपए पर क्लोज होता है, 80 पैसा लो एंड परसेंटेज टर्म्स में 0.35% डाउन। अब हम आते हैं इसके लेटेस्ट एपिसोड्स पर, और ऐसा माना जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट भी आरबीआई के डिसीजन के साथ है, और वह डिसीजन था राणा कपूर को जो एमडी एंड सीईओ है करंटली यस बैंक के लिए 3 साल का फुल टर्म डिनाई करना। और एज पर द लेटेस्ट डेवलपमेंट, राणा कपूर साहब अपने पोस्ट पर बने रह सकते हैं 31 जनवरी 2019 तक। अब आरबीआई ने 3 रीजन साइट किए थे। पहला था वीक गवर्नेंस इन यस बैंक एंड रॉन्ग एसेट क्वालिफिकेशन, एंड तीसरा था वीक कंप्लायंस कल्चर इन यस बैंक। और जब आरबीआई की तरफ से इस आशय का खबर आता है कि आरबीआई ने मना कर दिया है इनको 3 साल का फुल टर्म ग्रांट करने से, तभी उसी समय यस बैंक ने 25 सितंबर को एक मीटिंग रखी थी अपने बोर्ड्स की, और सेम न्यूज को यस बैंक ने रिपोर्ट किया है बीएससी को, और ऐसी आशा की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा कुछ क्लियरली आरबीआई के साइड से नहीं है कि इनको इनके टर्म को हम क्लियर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम आगे देखेंगे, जब हम न्यूज जब उस लेटर को देखेंगे तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। और इन 3 जो पॉइंट्स हैं जो आरबीआई ने साइट किए हैं, यस बैंक बोर्ड फाइंड्स इटसेल्फ इन ए क्वांड्री। बोर्ड में यस बैंक का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वह रिवील करता है कि राणा कपूर आर्टिकल 121 के अंतर्गत बोर्ड से रिटायर नहीं किए जा सकते। एज पर आर्टिकल 110, राणा कपूर हैज द राइट टू नॉमिनेट अप टू 3 डायरेक्टर्स। आर्टिकल 110 के तहत राणा कपूर के पास यह राइट है कि वह 3 डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सके। एंड सोर्सेज से आरबीआई इज अनलाइकली टू अलाउ हिम टू कंटिन्यू ऑन द बोर्ड। और बीच में जो खबर आ रही थी उसके अनुसार राणा कपूर लीगल रिकोर्स भी ले सकते हैं, और वह अपने वकीलों के संपर्क में है टू मूव कोर्ट अगेंस्ट आरबीआई। अब हम बात करेंगे आरबीआई ने मना किया ना कहा यस बैंक के राणा कपूर जो एमडी एंड सीईओ हैं के 3 इयर्स टर्म एक्सटेंशन के संदर्भ में। और जहां भी पब्लिक मनी इन्वॉल्व्ड है वहाँ बैंकिंग रेगुलेटर का एक अहम भूमिका होता है टू सेफ गार्ड द पब्लिक मनी। पब्लिक मनी को किस तरह से सुरक्षित रखना है यह मुख्यतया एक बैंकिंग रेगुलेटर के हिस्से में मुख्यतः आता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20 सितंबर अपने 17 सितंबर 2018 के लेटर में, जिसे 20 सितंबर 2018 को रिसीव किया गया है यस बैंक में, बताया है कि श्री राणा कपूर एमडी एंड सीईओ यस बैंक में रह सकते हैं 31 जनवरी 2019 तक, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक आर शेड्यूल्ड टू मीट ऑन 25 सितंबर 2018 टू डिसाइड ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यस बैंक इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज लेट वेडनेसडे नाइट। और आरबीआई के लेटर के हिसाब से राणा कपूर साहब एमडी एंड सीईओ के पद पर बने रह सकते हैं 31 जनवरी 2019 तक, और यस बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शेड्यूल मीट है 25 सितंबर 2018 यानी कल टू डिसाइड ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यस बैंक इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज ऑन वेडनेसडे नाइट। In other words, RBI has said that Kapoor can continue only for 4 more months in the capacity of chief executive and needs to step down after that. दूसरे शब्दों में कहें तो RBI के अनुसार कपूर अब केवल 4 महीने और MD and CEO के पोस्ट पर बने रह सकते हैं। अब इसके संदर्भ में जो लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, गेस किए जा रहे हैं कि आखिर RBI ने इतनी करा रुख क्यों अख्तियार किया, तो इसके लिए है कि रेगुलेटर RBI खुश नहीं था इनके राणा कपूर साहब के तरीके से। ये बैड लोन को अंडर रिपोर्ट करते थे। द रेगुलेटर वॉज नॉट हैप्पी विद द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ बैड लोन्स बाय द प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड व्हाट आरबीआई फाउंड विद इट्स इंस्पेक्शन अबाउट द बैंक। द बैंक हैड बीन फाउंड टू हैव अंडर रिपोर्टेड नॉन परफॉर्मिंग एसेट बाय ओवर 10,000 करोर फॉर 2 consecutive ईयर्स। नाउ दैट इज वन थिंग विच कैन मेक आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल एंड हिज कलीग्स एट द सेंट्रल बैंक वेरी एंग्री। हेंस दे डिडंट वांट टू ऑफर कपूर अनदर टर्म। 10,000 करोर का एनपीए था, और जिसको इन्होंने अंडर रिपोर्ट किया था, कम करके रिपोर्ट किया था, और जिसके कारण आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और उनके कलीग्स सेंट्रल बैंक में काफी एंग्री थे। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द आरबीआई हैज डन दैट। इससे पहले भी यह पहला मौका नहीं है कि जब आरबीआई ने इस तरह का कुछ कदम उठाने का प्रयास किया है। इससे पहले भी आरबीआई ने एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ शिखा शर्मा को भी बाहर का रास्ता दिखाया था
और कारण सेम था, राइजिंग एनपीए को अंडर रिपोर्ट करना। दूसरा जो गेस किया जा रहा है रीजन, फॉर इयर्स द रेगुलेटर हैज बीन इंसिस्टिंग दैट फाउंडर प्रमोटर्स ऑफ द कमर्शियल बैंक नीड्स टू कीप एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम इट्स एंटिटी एंड इवेंचुअली मूव अवे फ्रॉम कंट्रोलिंग पोजिशन टू लीव द बैंक टू ए प्रोफेशनली रन बोर्ड एंड मैनेजमेंट। कपूर हैज हेल्ड द सीईओ पोस्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम नाउ एंड रेगुलेटर फेल्ट दैट इट इज टाइम टू ड्रॉ ए लाइन। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। Banks are not institutions that should be subjected to skewed ownership or functionally under the control of the select few individuals, including founders. Kapoor may not be guilty of these accounts, but the central bank's actions are justified in the context cited above. After all, banks are guardians of public money. By drawing a line at the right time, the RBI deserves kudos, although it is only doing what it is expected to do. But the problem here is that neither the lender nor the central bank has given reasons as to why Kapoor was denied another term. अब दूसरा जो गेस किया जा रहा है वह है कि यह रेगुलेटर का एक प्रयास है कि कोई भी फाउंडर प्रमोटर किसी भी कमर्शियल बैंक में अपनी दूरी बनाए रखे, दूर रहे कंट्रोलिंग पोजीशन से और बैंक को छोड़ दे एक पूर्णतया प्रोफेशनली रन बोर्ड एवं मैनेजमेंट के अंडर में। और राणा कपूर सीईओ पोस्ट काफी लंबे अरसे से होल्ड कर रहे हैं इस बैंक का और रेगुलेटर फील कर रहा है कि अब काफी हो गया, अब एक लाइन खींचा जाना चाहिए और ऐसा करने में कोई गलत भी नहीं है। और कपूर साहब हो सकता है कि दोषी ना हो इन अकाउंटों के लिए, लेकिन सेंट्रल बैंक का जो एक्शन है ऊपर दिए गए कारण के कारण जस्टिफाइड महसूस होता है। अब आरबीआई का डिसीजन है एक सही संकेत इंडस्ट्री में भेज सकता है और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स के बीच एक कंफ्यूजन एवं पैनिक की स्थिति भी साथ में क्रिएट कर सकता है। और जितने भी दूसरे बैंक हैं जिसके फाउंडर प्रमोटर्स बोर्ड में हैं उनके लिए भी एक मैसेज डिस्प्ले रिले हो रहा है यहाँ से। अच्छा, जून इसी साल जून में बैंक के शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया था राणा कपूर के एक्सटेंशन को फॉर अनदर टर्म ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के अगले टर्म के लिए। अब यहाँ बताया जा रहा है कि यस बैंक का जो पेचीदा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, बोर्ड जो सर्च करेगा नए एमडी एंड सीईओ को, उसको हार्ड बना रहा है। अब जो सबसे अहम जो मुद्दा जिसकी चर्चा मैं बाद में भी करूंगा वह है कि जून 2018 तक राणा कपूर के पास 4.34 स्टेक्स था यस बैंक का और उनकी पत्नी श्रीमती मधु कपूर के पास 7.62% स्टेक था। ये सारे होल्डिंग्स थे राणा कपूर साहब के पास। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो पेचीदा बताया जा रहा है वह बैंक के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर ऑलरेडी बैंक के प्रमोटर्स की सहमति बनी थी 2005 में, फर्दर उसे अमेंड किया गया था सितंबर 2017 को। यह जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है यस बैंक का, उसका सेक्शन 127A कहता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन, रोटेशन के द्वारा रिटायर नहीं किए जाएंगे इन रोटेशन, बट बी सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन देम एंड द कंपनी। रिटायरमेंट बाय रोटेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट क्विट एंड सीक रीएलेक्शन। और कपूर डायरेक्टर है एंड दिस सेक्शन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोटेक्ट्स हिम और एनीवन हु अज्यूम्स द सीईओ पोजीशन एट यस बैंक फ्रॉम ऑटोमेटिक रिटायरमेंट। अब यह जो सेक्शन 127A है कपूर साहब की को प्रोटेक्ट करता है ऑटोमेटिक रिटायरमेंट से। ऑल्सो अंडर सेक्शन 127A point any whole time director the board shall follow the recommendations made by the promoters। अब क्या है कि इन्होंने अपने हिसाब से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जितने भी प्रमोटर्स थे उनकी सहमति से यह बनाया गया। अब एज ए बैंक रेगुलेटर आरबीआई के पास भी अपना शेयर रखने का पूर्ण अधिकार है, अगर चूंकि यहाँ आप यहाँ पब्लिक मनी इन्वॉल्व है और जैसे भी बैंकिंग रेगुलेटर को महसूस होगा कि पब्लिक मनी ज्यादा सुरक्षित रहेगा इस माध्यम से, उस माध्यम को फॉलो करवाएगी। अब हम आते हैं आज के अहम खबरों पर, जिसके लिए जो मेरा मुख्य मुद्दा था आज के इस वीडियो का। अभी देखिए 24 सितंबर 2018 के दिन 5 इंटीमेशंस उपलब्ध हैं यस बैंक के द्वारा। चलिए अब हम आते हैं 24 सितंबर 2018 को 18:04:07 पर एक्सचेंज के द्वारा रिसीव किए गए यस बैंक का यह नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज है। री अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राणा कपूर एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक लिमिटेड। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में यस बैंक एक्सचेंज को क्या नोटिफाई कर रहा है। जैसा हमें पहले से पता था कि 25 सितंबर को इनके बोर्ड की मीटिंग हो रही है रिगार्डिंग लेटेस्ट क्राइसिस के संदर्भ में, और पहले बताया गया था कि यह नए
एमडी एंड सीईओ के चयन से संदर्भ में यह मीटिंग कर रहे हैं और नए डेवलपमेंट पर क्या रुख होना चाहिए यस बैंक का उसको भी डिसाइड करना इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का मेन एजेंडा पॉइंट था। तो अब यहाँ देखते हैं कि यस बैंक ने एक्सचेंज को क्या बताया है। अभी देखिए 24 सितंबर 2018 का यह लेटर है और सेम हेडिंग है रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राणा कपूर एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक लिमिटेड। अब बताया जा रहा है कि प्लीज फाइंड इंक्लोज द प्रेस रिलीज ऑन द कैप्शन सब्जेक्ट व्हिच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कैन यू टेक अबव ऑन रिकॉर्ड एंड अनलाइज। अब हम आते हैं डायरेक्टली लेटर पर। अब लेटर में है रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राणा कपूर एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक लिमिटेड 24 सितंबर 2018 का लेटर है। दिस इज विथ रेफरेंस टू यस बैंक रिलीज टू द स्टॉक एक्सचेंज डेटेड सितंबर 19, 2018 ऑन द सब्जेक्ट रीअपॉइंटमेंट ऑफ एमडी एंड सीईओ। 19 सितंबर 2018 को भी यस बैंक ने एक रेफरेंस रिलीज किया था स्टॉक एक्सचेंज को। अब उसी हवाला देते हुए उसको रिफ्रेश किया जा रहा है। एट द आउटसेट द बैंक वुड लाइक टू इन्फॉर्म इट्स स्टेक होल्डर्स दैट बैंक एंड इट्स एमडी एंड सीईओ विल बी फुल्ली गाइडेड बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन सितंबर 25, 2018 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। बताया जा रहा है कि यह जो मीटिंग है बैंक एवं इसके एमडी एंड सीईओ फुल्ली गाइडेड रहेंगे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति एवं आरबीआई के द्वारा एंड और भी जो रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा। द बैंक्स मैनेजमेंट रिमेंस कमिटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स। अपने सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को की सुरक्षा के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध रहेगा। बैंक का मैनेजमेंट अपने सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध रहेगा। द बैंक वुड लाइक टू फर्दर स्टेट द फॉलोइंग। द बैंक हैज अ डेमोंस्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल आउटकम ओवर द लास्ट 14 ईयर्स। 14 साल से लगातार कंसिस्टेंट डिलीवरी एंड बिजनेस एंड फाइनेंशियल आउटकम्स का ट्रैक रिकॉर्ड होल्ड करता है यह बैंक सिंस कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन इन मिड 2004 से लेकर के अभी तक। जब से इसका ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक इसका कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है अक्रॉस ऑल क्रिटिकल पैरामीटर्स सच एज कैपिटल एडिक्वेसी क्रेडिट रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ग्रोथ एटसेट्रा। अब यहाँ जो है फर्दर बैंक हैज आल्सो कंसिस्टेंटली डेमोंस्ट्रेटेड अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रेजिंग एंड एक्रेटिंग कैपिटल अक्रॉस वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड साइकिल्स विद द कैपिटल फंड्स बेस ऑफ 50,000 करोड़ बिलियन टर्म्स में डॉलर टर्म्स में इट इज 6.9 बिलियन डॉलर having started with a capital fund base of 217 करोड़। 217 करोड़ से शुरू हुआ यह बैंक जो 2004 में यह बैंक जब शुरू हुआ था तो इसका कैपिटल फंड बेस था 217 करोड़ जो कि बढ़ करके हो गया अभी 50,000 करोड़। बैंक रिट्रेट्स द क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 19 एट 50 to 70 basis point। उसके बाद अपनी पूर्ण विजय गाथा को यहाँ इंक्लूड करता है बैंक अपने इस लेटर में। रिसेंट अपग्रेड 5 जुलाई 2018 द लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक रेटिंग बाय केयर टू AAA। जुलाई 5, 2018 को इसे केयर के द्वारा AAA की रेटिंग दी गई है। 20 सितंबर 2018 को इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडी ने रीअफर्म किया है इट्स लॉन्ग टर्म रेटिंग ऑफ BAA3 स्टेबल आउटलुक के साथ। 21 सितंबर 2018 को डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी इकरा हैज रीअफर्म डोमेस्टिक रेटिंग ऑफ AA+ स्टेबल आउटलुक। मीन्स बैंक का हेल्थ दर्शाया जा रहा है यहाँ कि काफी अच्छा है। डिफरेंट जो रेटिंग एजेंसीज हैं इसे काफी पॉजिटिव एंटिटी के तौर पर आंक रही है। उससे पहले द बैंक हैज रिसेंटली रिसीव्ड द फॉलोइंग रेगुलेटरी अप्रूवल। रेगुलेटरी आई मीन आरबीआई की तरफ से इसे गोल्ड एवं सिल्वर इम्पोर्ट करने का लाइसेंस दिया गया है 2 अप्रैल 2018 को। अब आरबीआई ने अप्रूवल दिया था इसे टू ओपन ओवरसीज ऑफिसेस इन लंदन एंड सिंगापुर। डेट था 19 अप्रैल 2018 को। सेबी ने अप्रूवल दिया था फॉर कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज बिजनेस ऑन 11 जून 2018 को। सेबी ने फर्दर अप्रूवल दिया था इसे म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए 3 जुलाई 2018 को। मैं सारा कुछ अच्छा ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद अबाउट यस बैंक है। यस बैंक इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक विद पैन इंडिया प्रेजेंस अक्रॉस ऑल 29 स्टेट्स एंड 7 टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इसका जो प्रेजेंस है सारे 29 स्टेट एवं 7 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया में है इसका। फर्दर यह बताया जा रहा है कि बैंक इज फुल्ली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एज द प्रोफेशनल बैंक ऑफ इंडिया ओवर द पास्ट 14 ईयर्स ड्रिवन बाई ए सीजन्ड लीडरशिप ऑफ ओवर 100+ टॉप मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स
with over 2 decades of experience and an average vintage of over 8 years with Yes Bank, guided and supervised by eminent board of directors. यहाँ बताया जा रहा है कि ये इसके जो board of directors में जो भी हैं professionals, management professionals हैं, उनके पास 2 decade का experience है और Yes Bank के साथ जो इनकी प्रतिबद्धता है 8 साल का minimum 8 साल का है. एवरेज जो है वो 8 साल का है. मीन्स सब्जेक्ट इस लेटर का उस पर ध्यान दीजिए. रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राणा कपूर एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक लिमिटेड. मीन्स यह जो है मेन मुद्दा है कि किस तरह से एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक राणा कपूर जी का रीअपॉइंटमेंट को सुनिश्चित किया जाए. अब फाइनल से कहीं भी इसमें ऐसा कहीं इस लेटर में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आरबीआई सहमति प्रदान कर रहा है, कल कर देगा. एक कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है और जिसे पॉजिटिव न्यूज की तरह देखा जा रहा है. एक्चुअली इस वीडियो को मैंने 24 सितंबर 2018 को बनाना शुरू किया और कुछ तकनीकी कारणों के कारण यह कम्प्लीट नहीं हो पाया और आज यह कम्प्लीट हो रहा है. और आज के मार्केट में यस बैंक ने लो बनाया था 197 रुपीस का और एनएससी पर यह क्लोज हुआ है 219 रुपीस 70 पैसा, 219 रुपए 70 पैसे पर यह क्लोज हुआ है. और कतई यह घबराने वाली स्थिति नहीं है. यहाँ पर मैनेजमेंट के बदलाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है तो कतई घबराने वाली बात नहीं है. बैंक काफी उत्तम है, काफी सस्ते प्राइस में उपलब्ध है. अभी अगर आप अभी भी लेते हैं तो काफी फायदे में रहेंगे. ऐसे मेरी सलाह यह होगी कि थोड़ा सा रुकें. मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अंडरटोन में है, तो जस्ट हमें इंतजार करना चाहिए कि जब यह रिवर्स करे तब हमें अपना पैट इसमें बनाना चाहिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी सही रेट आ गया है तो आप अभी भी अगर इसमें निवेशित होते हैं तो काफी अच्छा प्राइस पर उपलब्ध हो रहा है. और रही बात राणा कपूर साहब के रीइन्वेस्टमेंट का, तो एक रेगुलेटर, मुझे कतई नहीं लग रहा है कि आरबीआई कभी भी इस बात पर अपनी सहमति अब देगी कि नहीं भाई इनको हम 3 साल के लिए इनको दे रहे हैं एक्सटेंशन. ऐसा होता नहीं दिख रहा है और इस तरह की स्थिति अभी बनी रहेगी जनवरी तक. कर लीजिए, लोग प्रयास करते रहेंगे और रेगुलेटर जो है स्ट्रिक्ट टू द पब्लिक के मनी को सेफगार्ड करने में तत्पर दिखता रहेगा. और अगर हो जाता है तब भी अच्छा है, अगर नहीं होता है तो उसके लिए हमें तैयार होकर के इसके साथ जूझने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को मजबूत करना चाहिए. और इसी के साथ मैं करूँगा अपने वीडियो को वाइंड अप. आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ. और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए जय हिंद, गुड डे, गुड नाइट, सी यू विद माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.